वॉइस टीवी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी यूपी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। जिलाधिकारी चंद्रविजय सिंह के नेतृत्व में शहर और जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में वृहद स्तर पर आज से प्रारंभ हुआ साफ सफाई, एंटी लार्वा छिड़का, कोविंग एवं जन जागरूकता अभियान। जिलाधिकारी ने नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर सहित अनेकों समाज सेवी संस्थाओं की टीमों को सुभाष चौराहा जैन मंदिर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नगर निगम एवं स्वास्थ्य विभाग की बड़ी संख्या में स्प्रे मशीनें, एंटी लार्वा छिड़काव करने वाले टैंकर्स, फार्मिंग मशीनें, लाउड स्पीकर लगे प्रचार वाहन, पोस्टर बैनर वितरण करने वाली टीमें और स्वास्थ्य जांच और दवा वितरण करने वाले वाहन और नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर, कॉलेज के छात्र छात्राएं और अनेकों समाज सेवी संस्थाओं के लोग काफिले में सम्मिलित रहे। देखिए, जनपद में जिस तरह से वायरल और डेंगू फैला है, उसके तुरंत बाद इस चीज़ की रोकथाम के लिए शहरी क्षेत्र में, गांव क्षेत्र में निगरानी समितियों के माध्यम से या हमारी जितने भी हेल्थ कर्मी हैं उनके माध्यम से जो एरियाज़ हैं वहां पे सोर्स प्रिवेंशन की कार्रवाई, सोर्स जो ब्रीडिंग है उसका रिमूवल की कार्रवाई हो रही है। और साथ साथ ये लोग क्षेत्र में जाकर एंटी लार्वा, फॉगिंग, इस तरह की चीज़ें लगातार कर रहे हैं। आज एक अलग पूरे शहर भर में जितने भी हमारे पास ये नगर निगम का सारा इक्विपमेंट्स हैं, वॉकिंग मशीन है, एंटी लार्वा है, इन सबको एक साथ रवाना किया गया है ताकि शहर में जो स्वच्छता को लेकर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं इसका एक संदेश भी लोगों तक जाए, लोग अवेयर हों। सैनिटाइजेशन मशीन्स, एंटी लार्वा की जितनी भी फॉगिंग हमारी मशीन है, इसके अलावा फॉगिंग मशीन है, ये सारी एक जगह इकट्ठा होकर आज रवाना की गई। ये सभी मशीनें क्षेत्र में जाकर जो उनको डेजिग्नेटेड है उस क्षेत्र में जाएंगी, वहाँ पर ये ऑपरेशन करेंगी। साथ में सभी ACMOs हैं और उनके साथ में आशा, आंगनवाड़ी, ये लोग हैं, ये भी अपने अपने क्षेत्र में जाकर जन जागरूकता का कार्यक्रम और साथ साथ हाउस टू हाउस सर्विस में करना है और घरों के अंदर जो ब्रीडिंग पॉइंट्स हैं उनको हटाने की कार्रवाई इनके द्वारा की जाएगी और सभी ACMO इस चीज़ को लीड करेंगे। हमारे नेहरू युवा केंद्र तथा अन्य स्कूल कॉलेजों के बच्चे भी आज यहाँ पे आए हुए हैं, वो भी इन क्षेत्रों में जाकर तथा अपने स्कूल के आसपास अवेयरनेस की कार्रवाई करेंगे। और ये सारा जितना भी चीज़ें हैं इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि एक स्थान पर एकत्रित होकर लोगों को एक संदेश दिया जा सके और कि डेंगू से बचाव किस तरह से करना है। हमारे बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं के लोग भी अभी यहाँ पर उपस्थित हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं। आज सब लोग एक साथ इकट्ठे होकर यहाँ से मार्च करके इन क्षेत्रों में जाएंगे और पैम्पलेट्स के माध्यम से या वैसे लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। सर, नगर स्वास्थ्य अधिकारी की बात की जाए उनकी काफ़ी लापरवाही नजर आई, सर आपके द्वारा किस तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ की गई? देखिए, मेरे द्वारा उनको हटाने के लिए, उनके कार्रवाई के लिए शासन का अवगत कराया गया है और शासन ने भी कहा उनको उसको तत्काल संज्ञान में लेते हुए उस पर कार्रवाई करने के लिए कहा है और जैसा भी निर्देश मिलेगा। अभी फिलहाल के लिए मैंने ACMO है एक, उनको नगर स्वास्थ्य अधिकारी का चार्ज दे दिया है।